हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला व्लॉग है। हम लोग आए हैं अब से एक भैया घर, उनके गांव का घर मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दिखाता हूँ। खाएं अंदर तो जो बना अंदर तो पुराना घर पुराना घर करके बनाई है। अरे गांव वाला घर है ये, हमारे अब से एक भैया का गांव वाला घर है। तो आइए दोस्तों, अब से एक भैया का घर आपको हम अंदर से दिखाते हैं। अंदर ये हमारे अब से एक भैया का दलान और ये रहे पूरे पूरे आम। ये देखिए अपने बागों का, अपने बागों का ये ताजा ताजा आम नेचुरल है, पूरा फुल नेचुरल है। आइए हम लोग और अंदर चलते हैं। ये हमारे आपसे भैया का आंगन, ये रहा नल, ये रहा मोटर और ये है इनके रूम्स। पूरा बरामदा है, पूरा 6 रूम, ऊपर नीचे दोनों 6 6 12। बहुत ही पुराना मकान है, बहुत ही पुराना मकान है भाई, 10 साल हो गए छोड़े हुए। आप देख सकते हैं पूरा पूरा एसी वाली फीलिंग दे रहा है मकान। एसी वाली फीलिंग भाई, गर्मी में तो यहीं रहने ही लायक है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये रही सीढ़ी, इससे हम लोग ऊपर चलते हैं। मिट्टी वाली सीढ़ी? अरे वही मिट्टी वाली सीढ़ी भाई, थोड़ा उजाला कम है यहाँ पे, चलते हैं इसके ऊपर भाई संभल संभल के। ये देख रहे हैं पूरी दीवार, ये देखिए पूरी दीवार जर्जर हुई पड़ी है, ये देखिए पूरी दीवार जर्जर हुई पड़ी है, देख रहे हैं ये पूरी मिट्टी की दीवार। वो देखिए पूरी बांस वाली छत जो पहले के समय में पड़ती रहती थी, देख सकते हैं आप पूरी तरह से वो पूरी छत है। और ये रही वो जिसको हम लोग अपने यहाँ टाँड ढलवाते हैं सीमेंट से, ये रहा मिट्टी की बनी हुई सीमेंट, इसकी मजबूती और इसमें दोनों में फ़र्क है, ये अलग ही लेवल की मजबूत है। आइए चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर वाले जो छोटे छोटे रूम हैं, 6 रूम, बहुत ही गजब के रूम हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक छोटा सा पहला रूम है जिसमें एक खाट रखी हुई है, एक खाट रखी हुई है और ये एक बीम ढली हुई है, देखिए इसके ऊपर ये पूरी छत टिकी हुई है और भी छोटे छोटे ढेर सारे बीम्स इसमें लगे हुए हैं इसी तरह के। आइए मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ, ये बाहर बहुत धूप है, चलता हूँ। ये देखिए पहले के बाद ये देखिए दूसरा रूम है, छोटा सा रूम है, इसके अंदर भी चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ये देखिए बाहर से ये पूरा छत कैसे ढली हुई है, बाहर का एक बार दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए छोटा सा आंगन जो अभी नीचे से दिख रहा था। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं इस छोटे वाले रूम में, देखते हैं इस छोटे वाले रूम में क्या है। ये देखिए इस वाले छोटे वाले रूम में भी कुछ खास नहीं, छोटा सा एक रूम बना हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी वही एक पिलर टाइप का लगा हुआ है, मोटी सी एक लकड़ी लगी हुई है, बहुत सॉलिड है, इतनी पुरानी है दोस्तों, लेकिन अभी तक इसमें एक तरह की जैसे लोहे में जंग लग जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, और पता नहीं कितने साल तक चलेगी। देख सकते हैं ये छोटी सी, इसमें भी दो दो खाट रखी हुई है, अब ये खाट का पता नहीं क्या करते हैं, यही बता सकते हैं भाई। आते हैं हम लोग तीसरे रूम की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों तीसरे रूम की तरफ मैं चलता हूँ आपको लेके। ये देखिए छोटा सा रूम है, इसमें एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है, छोटे वाले जो दरवाजे लगते थे गाँव में, ये देखिए खुलता भी है दोस्तों ऐसे करके, चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए इसमें भी एक दलान है भाई, खुल जा। ये देखिए दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा है, टिक नहीं रहा है भाई, खुल तो जा रहा है, टिका भाई टिका। ये देखिए ये रहा रूम, इसमें एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है जिसमें हमारे भाई ने गेहूं वगैरह जो भी रखा हुआ अनाज वगैरह। ये देखिए एक छोटी सी खिड़की है इसमें, और ये रहा रूम, देख सकते हैं आप अच्छे खासे थे, लेकिन भाई एसी भी फेल है यहाँ पे। दोस्तों बढ़ता हूँ आपको लेके चौथे रूम की तरफ, ये रहा चौथा रूम, चलते हैं इसके अंदर भी हम लोग, देखते हैं क्या है अंदर भाई। इसमें अभी तक पूरी क्लीन। हाँ ये देखिए इसके अंदर भी एक छोटा सा ड्रम, छोटा क्या, इसमें हम डूब जाएंगे यार, बड़ा सा रूम और बड़ा सा ड्रम। अरे फिर वही एक छोटा सा सहारा, मिट्टी का मटका, देख सकते हैं मटका। ये रहा एक और ड्रम जिसमें इन्होंने फिर से गेहूँ वगैरह रखा है,
बढ़ते हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं पांचवे रूम की तरफ। ये रहे हमारे अभिषेक भैया, आते हैं पांचवे रूम की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए इसमें है वही फिर से एक मोटी सी लकड़ी जिसके ऊपर पूरी छत। ये हमारे अभिषेक भैया जिनका मकान है, और ये रहा एक और ड्रम, इसमें इन्होंने फिर से अनाज रखा हुआ है। बाकी के रूम में आपने देखा दो तीन खाट रखी हुई थी, ये खाट का क्या यूज़ करते हैं ये अभिषेक भैया बताएंगे। बढ़ते हम लोग छठवें रूम की तरफ, टोटल छः रूम है ऊपर भी। ये देखिए छठा रूम है, इसके अंदर भी हम लोग चलते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी तीन तीन ड्रम रखे हुए हैं, एक में गेहूँ एक में चावल एक में सरसों। अभी कौन रखता है, कौन है ऐसा खास, ये तो यही बताएंगे। ये देखिए पहले ज़माने के मिट्टी के मटके अभी तक टूटे नहीं हैं। ये रहा एक छोटा सा ड्रम, और जिस पे हम लोग खड़े हैं दोस्तों, ये छत सीलिंग नहीं है, मिट्टी की बनी हुई छत है। देख सकते हैं आप इसकी मजबूती दोस्तों। इसके छत पे भी इतनी ठंडक है कि यहाँ पे भी मतलब आप आराम से चैन से सो सकते हैं। वो सीलिंग वाली छत नहीं है भाई, जो एकदम पूरा तपती है वो नहीं है। ये देखिए ये टोटल छः रूम थे। ये रहा एक बड़ा सा आंगन जो हम लोग नीचे से हम लोग देखे थे, सब दिखा दो। वो सब देख लिए वो लोग। ये भाई छत देखिए इसी तरह की ढली हुई है, थपुआ और नरिया वाली छत है भाई, पुराने घर की याद आ गई। नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए एक बार दिखा दूँ आपको, यही वो खाट है जो बीच से टूटी हुई है। अब आगे आप समझ लीजिए उसका यूज क्या होता है। चलते हैं हम लोग नीचे, इस मशीन को दिखा दो, ध्यान में उसाने वाली मशीन। हाँ ये देखिए एक मशीन है यहाँ पड़ी हुई है, हमारे अफसर भैया ने अभी ध्यान दिलाया, धान उसाने वाली मशीन अभी तक पूरा फ्री चलती भी है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरी अभी तक चल रही है, चालू हालत में रखी हुई है। ये रहा एक बक्सा, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, संदूक लकड़ी का बना बक्सा। अब देखिए हम लोग आ गए अपना नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर की ये स्थिति है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।